हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी जयपुर ट्रिप के बारे में। जयपुर में क्या क्या घूमने की जगह है, घूमने में कितना खर्चा आ सकता है और कैसे आप अपनी जयपुर ट्रिप को यादगार ट्रिप बना सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखें, पसंद आए अगर तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि राजस्थान में थोड़ी गर्मी रहती है तो मैंने जनवरी के महीने में जयपुर टूर प्लान किया। दिल्ली से मैं जयपुर के लिए सुबह 8 बजे निकला अपनी बाइक एवेंजर 220 स्ट्रीट पे। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपके पास और भी बहुत ऑप्शंस हैं। दिल्ली से बहुत सारी बसें भी राजस्थान के लिए जाती हैं जो कि आपको कश्मीरी गेट बस अड्डे पे मिल जाएंगी, या फिर आप दिल्ली से ऑनलाइन कैब बुक करके जयपुर जा सकते हैं जिसका खर्चा 2500 से 4000 के बीच में पड़ सकता है। क्योंकि ये जनवरी का महीना था, सुबह निकलते ही मुझे बहुत धुंध और ओस का सामना करना पड़ा। 150 किलोमीटर राइड करने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैं होटल हाईवे एक्सप्रेस रुका खाना खाने के लिए। दिल्ली टू जयपुर के बीच में रुकने के लिए सबसे अच्छा स्टॉप है होटल हाईवे एक्सप्रेस, बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, खाने की शॉप है, KFC, मैकडी, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। पेट पूजा करने के बाद हम वापस निकले जयपुर के लिए। जयपुर पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गए थे। वैसे तो रास्ता सिर्फ 4 घंटे का था पर धुंध की वजह से हमें दिल्ली टू जयपुर कवर करने में 7 घंटे लग गए। फाइनली गाइस, हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। होटल का नाम है कंफर्ट इन सफायर। अगले दिन हम सबसे पहले नाहरगढ़ फोर्ट गए जो कि काफी हाइट पे है। नाहरगढ़ फोर्ट तक आप या तो ट्रैक करके भी जा सकते हैं वरना आप स्कूटी या बाइक से भी जा सकते हैं। इसकी चढ़ाई करीब 2 किलोमीटर की है और रास्ता बहुत ढलान वाला है। कुछ लोग ऊपर तक साइकिल से भी जाते हैं। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक खुला रहता है। यहाँ एक अडल्ट की टिकट 50 रुपये है और एक स्टूडेंट की टिकट 5 रुपये है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड साथ में लेके चलें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नाहरगढ़ फोर्ट से आप पूरे जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। इस फोर्ट में आप काफ़ी जगह पे अच्छी अच्छी फोटोज भी ले सकते हैं और चाहे तो वहाँ से पतंगबाजी भी कर सकते हैं। यहाँ एक ओपन एयर रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम पड़ाव है और वहाँ की एंट्री फीस 50 रुपये है पर पर्सन। नाहरगढ़ फोर्ट अच्छे से घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद मैं गया आमेर फोर्ट। यहाँ की एंट्री फी 25 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पर भी आप चाहें तो ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर किसी भी व्हीकल से। आमेर फोर्ट में आपको बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं। वो थोड़ी महंगी होती है क्योंकि वो यूनिक भी होती है। यहाँ आप चाहें तो हाथी की सवारी भी कर सकते हैं जिसका चार्ज 900 रुपये है 2 लोगों के लिए। शाम के टाइम पे यहाँ कुछ लाइट शो भी होते हैं जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी आपको घूमते घूमते 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद आप जयगढ़ फोर्ट जा सकते हैं जिसकी एंट्री फी 35 रुपये पर पर्सन है। आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आमेर फोर्ट में रहता था शाही परिवार और जयगढ़ फोर्ट में उनके सैनिक रहते थे। यहाँ एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है जिससे 50 किलो की फायरबॉल से 35 किलोमीटर दूर तक हमला किया जा सकता था। जयगढ़ फोर्ट में भी आपको कैफे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आप पेट पूजा कर सकते हैं। इसके बाद रास्ते में पड़ता है जल महल जो कि बहुत खूबसूरत है। जल महल, इस किले के 4 फ्लोर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और आपको यहाँ सिर्फ एक ही फ्लोर दिखेगा जो कि पानी के ऊपर है। जल महल के सामने ही एक लोकल मार्केट भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप रात के समय जल महल जाते हैं तो यहाँ की लाइटिंग भी आपको बहुत पसंद आएगी। हमारे ट्रिप के तीसरे दिन हम सबसे पहले जंतर मंतर गए जहाँ की एंट्री फी 50 रुपये है और अगर आप कैमरा भी यूज़ करना चाहते हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। जंतर मंतर के अंदर आपको बहुत सारे यंत्र मिलेंगे जिससे पहले के समय में टाइम देखा जाता था। यहाँ अलग अलग तरह के आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें अलग अलग तरह से यूज किया जाता था। बच्चे हों चाहे बड़े, यहाँ सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जंतर मंतर के ठीक सामने सिटी पैलेस भी है जिसकी एंट्री फी 200 रुपये है और सिटी पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसकी एंट्री फी 500 रुपये है। ये आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसके बाद आप हवा महल जाएं। हवा महल की एंट्री फी 50 रुपये है। जैसा कि इसका नाम है,
हवा महल वैसा ही आपको इसके अंदर जाके भी फील होगा। इसके अंदर 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिनसे आती ठंडी ठंडी हवा आप महसूस कर पाएंगे। हवा महल के ठीक सामने एक टैटू कैफे है जहां मैंने लंच किया और वहां से हवा महल भी आपको बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद आप कुछ शॉपिंग करने के लिए यही पास में बापू बाजार जा सकते हैं। अगर आपको मॉल जाना अच्छा लगता है तो आप जयपुर के सबसे बड़े मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क में जा सकते हैं जो कि अंदर से सच में बहुत अच्छा है। अब मैं यहाँ के बजट की बात करता हूँ। अगर होटल की बात करें तो यहाँ होटल आपको पर डे 1000 से 1500 में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। जयपुर पूरा आप 2 दिन में ही घूम सकते हैं। अगर आपको यहाँ पैसे बचाने हैं तो आप स्कूटी रेंट पर ले लें जो कि आपको बहुत सस्ती मिलेगी। 2 या 3 दिन के लिए यहाँ स्कूटी आपको 500 रुपये की मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ फोर्ट ज़्यादा है तो यहाँ एंट्री फ़ी पे आपका खर्चा 200 से 300 हो सकता है। खाने की बात करें तो पर पर्सन एक दिन का 700 से 1000 रुपये खाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ तो वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ।